नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्या बेसिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में लेके आया हूँ साहित्य का नोबेल पुरस्कार अदरवाइज। वे मैं पिछली क्लास में लेके आया था भौतिकी रसायन चिकित्सा और शांति का नोबेल 2022 का। जैसा कि देखा गया है कि हर एक एग्जाम में नोबेल प्राइज से एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि दो क्वेश्चन तो आपके किसी भी एग्जाम में बनने थे, और मैं इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास लेके आया हूँ साहित्य का नोबेल पुरस्कार। हम अपने क्लास में बढ़ते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 ये फ्रांसीसी लेखिका एनी एरेनास को दिया गया, स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है, और चयन का आधार है एनी एरेनास के लेखन में साहस प्रतिष्ठता के साथ व्यक्तिगत स्मृतियों जड़ों व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और 2021 में देखें कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रजाक गुरनाह, ये तंजानिया में जन्मे ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। और नोबेल पुरस्कार से जुड़े अन्य तथ्य देखें। साहित्य का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में पहली बार दिया गया था। और तीन पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं डायरेक्ट। पहला है कि सबसे कम उम्र में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो शख्स कौन से हैं। सबसे कम उम्र के हैं रुडयार्ड किपलिंग, इनको 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और यहीं पे देखें महिलाओं को, कितनी महिलाओं को अभी तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। 17 महिलाएं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जा चुका है। और पहली महिला हैं सेल्मा लांगरलोग, जिनको ये स्वीडिश उपन्यासकार हैं। 1909 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अपने भारत में देखें, पहले भारतीय साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ऐसी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और इसी के साथ मैं क्लास एंड करने की इजाज़त चाहूँगा।